क्योंकि जो अंदोलन की भी गल करते हैं जी अंदोलन के दिनों लड़ाई लड़ी गई है ना उत्थे भी मैं ये लगता है गुरु महाराज आप हाजर नाजर ने तो लड़ाई लड़ी गई क्योंकि जेडे असी चाहे गीत चाहे शब्द पढ़े जेडे उन्होंने दिनों के ना वो भी यही जिक्र भी सानू अपने इतिहास के प्रेरणा मिलती है लड़न की जिहड़ियां सरकार दी नीतियां ने जो उन्होंने विरुद्ध किसी ने बोलना खुल के तो इदा दीजा होनी भी स्वभाव होंगे ने क्यों नहीं दी जा रही बंदी सिंह नूं रिहाई क्योंकि सजावां भी तो पूरी हो चुकी हैं उधर राम रहीम नूं भी पे रोल दोबारा तो इंसाफ मोर्चे की जेकर गल की जाए तो हर कोई अपनी शमूलीयत पाँदे हो इस मोर्चे मजबूत करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा तो सिंगर वक्ो वक्रे पहुँच रहे हैं तो उत्थे ही हर चीमा पहुँचे ने तो इंसाफ मोर्चे के पहुँचे हो की कहना चाहूँगा बस मैम चढ़ती कला चा मोर्चा तो बाकी गुरु महाराज का प्रकाश है जी मैं लगता भी सारी पंजाब सो आपकी शमूलीयत दे रहा इतने वक् वक् तबकों तो चाहे कोई गाने वाला चाहे कोई समाज सेवी आ चाहे कोई सिख संस्थावां ने सो सारयां दा सांझा मोर्चा साडा इह क्योंकि कौम दे इंसाफ दी गल आ ते सारे जणे आए आ जी लगता भी क्योंकि सिंगर नौजवान पीढ़ी होवे जां बहुत सारे लोग जिदा उन्हां नूं फॉलो करदे आ ते सिंगरां दे आउण दे नाल कुछ वखरा फायदा होगा इंसाफ जिथे जी मैं लगता भी गुरु महाराज का प्रकाश आ जी उत्थे सारा पंजाब ही आ जाता क्योंकि जो अंदोलन की भी गल करते हैं जिहड़ी अंदोलन के दिनों लड़ाई लड़ी गई है ना उत्थे भी मैं ये लगता सीगा भी गुरु महाराज आप हाजर नाजर ने तो लड़ाई लड़ी गई क्योंकि जिहड़े असी चाहे गीत चाहे शब्द पढ़े जिहड़े उन्होंने दिनों के ना वो भी यही जिक्र सीगा भी सानू अपने इतिहास के प्रेरणा मिलती है लड़न की तो अज भी उही गल आ मैनू लगता भी आ हुण सिमरन चल रहा तुसीं पिछे सुन रहे हो ना तो यही साडी ताकत आ तो जदों मतलब आपकी ताकत को आपके मूल को पछाणांगे तो इकट्ठे होकर लड़ांगे तो जित होगी जी साडी गल कीती जावे किसानी मोर्चे दे विच भी सिंगरां दे वल्लों वड्डे पद्धर दे उत्ते योगदान पाया गया सी ते अजिहियां कोई भी लड़ाइयां हुंदियां ने सिंगरां दे वल्लों भी इस नूं लै के शमूलियत की जाती है पर बीते दिन ही जिहड़ी रेड देखण नूं मिली है इक सिंगरां दे उत्ते खास तौर दे उत्ते जिवें पहुंचे ने कंवर गरेवाल भी तो की लगता भी इस दे एग्जैक्ट कारण की मैम पता ही नहीं जी कारण तुम आ कंवर भाई आए हुए हैं उन्होंने पूछ लियो पर मैं ये लगता भी इदा दीज़ा चलदिया रहा होंगे ने कोई नहीं क्योंकि ये हों जो सरकार दी नीतियां ने जो उन्होंने विरुद्ध किसी ने बोलना खुल के तो इदा दीज़ा होनी भी सुभाविक होंगे ने अज दे लई आए हो जां फिर आना जाना नहीं नहीं बिल्कुल आना आते जाते रहेंगे जी तो वह तो दिल्ली मोर्चा सगा उ शमूलीयत दिती ये तो साढ़े आपके घर च मोर्चा लग्या हुआ जी फाइनैशियल बिल्कुल जी जो जिन्ने जोगे है जी महाराज द ही है सब वो ही दिता हुआ तो चरणा सारा कुछ ही भेट आ जे तुरंगे तो तनो मनो तनु ही तुरंगे जी तुम क्या लगता है क्यों नहीं दी जा रही बंदी सिंह रिहाई क्योंकि सजावं भी तो पूरी हो चुकी हैं उधर राम रहीम भी पे रोल दोबारा तो मिल गई असी तो ही मोर्चा लाया जी नहीं दी जा रही जी तो हम सरकार पुछना पेगा जी क्यों नहीं दे रहे काके जड़ा कुछ बंदी सिंह की रिहाई हाँ जी बिल्कुल आने वाले दिनों गीत आने जी वो साझे करा तो बहुत बहुत धन्यवाद तो सिंगर हरफ चीमा मौजूद सी जिमें ही इंसाफ मोर्चे के पहुँचते हैं तो कोशिश की जाती है कहते हैं कि जिमें सिंगर तो बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे ने इस मोर्चे के दौरान कितने ना कि अपनी शमूलीयत करके मोर्चे को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है बंदी सिंह की रिहाई में लैके मोर्चा कितने ना कि हुण होर ज़्यादा मजबूती फड़दा होया नज़र आ रहा है तो उत्थे ही गल की जाए वड्डे पद्धर के उत्ते हुण सिंगर इस दे विच आने शुरू हो गए हैं कंवर गरेवाल भी जिहड़े ने पहुँच चुके हैं गलबात उन्हां दे नाल भी करांगे कि कुछ कहना है गल की जाए हरफ चीमा के कंवर गरेवाल के वल्लों पहलां भी जड़ाया एक गीत कढ़िया गया सीगा जदों किसानी मोर्चा चल रहा सी तो इस दे विच हुण सिंगर दे आउण नाल की कुछ होर वड्डा फर्क पैंदा है इस दे उत्ते जरूर नज़रां बणियां रहणगियां इंसाफ मोर्चे दी मंगां दी जेकर गल की जाए ये तो आने वाला समय ही दसेगा कि कदों ये मंगां पूरियां होणगियां वाईपीएस चौंक तो कैमरामैन अंकित दे नाल ममता स्काई न्यूज़ पंजाब।